राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर श्री बांके बिहारी श्री हरिदास। अगर आप भी जाने का सोच रहे हैं वृंदावन, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको वृंदावन जाने के बाद किन पांच मंदिरों के दर्शन करना ज़रूरी है, वरना उन दर्शनों के बिना आपके दर्शन अधूरे माने जाएंगे। तो उनमें से पहला मंदिर है श्री निधिवन मंदिर। वृंदावन कृष्ण के पवित्र नगरी के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर कई मंदिर हैं जिनमें कई प्रमुख हैं, जिससे संबंधित विभिन्न कथाएं और मान्यताएं प्रसिद्ध हैं। यह एक ऐसा प्रमुख स्थल है निधिवन, जिसे तुलसी वन भी कहा जाता है। यह वन वह है जिसमें आज भी राधा कृष्ण नित्य विहार करते हैं, नित्य भ्रमण करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि यह वही स्थल ही है जहाँ पर श्री हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। इसीलिए श्री बांके बिहारी के दर्शनों के पूर्व आपको श्री हरिदास जी के दर्शनों के दर्शन करना चाहिए। इसके बाद ही आपको बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाना चाहिए, तभी आपके दर्शन ज़्यादा सफल माने जाते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा आता है श्री बांके बिहारी मंदिर। आज के समय में श्री बांके बिहारी जी को कौन नहीं जानता। बांके बिहारी तो हमारे हर देश से लोग वहाँ दर्शन करने लाखों की संख्या में आते हैं, क्योंकि लोगों की कई मनोकामनाएं वहाँ से आज भी पूर्ण होती हैं। और हमारे लाला श्री ठाकुर जी आज भी कई भक्तों के साथ अपनी अटखेलियाँ करते रहते हैं। वृंदावन नगर में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक बांके बिहारी मंदिर, जो विशेष रूप से भगवान कृष्ण की पूजा के लिए विख्यात है। यहाँ बांके शब्द का अर्थ है झुके हुए और बिहारी का अर्थ होता है बिहारी या आनंदी। इस मंदिर में मुख्य देवता का रूप त्रिभंग मुद्रा में है, जिसमें भगवान कृष्ण तीनों कोणों पर झुके दिखते हैं। इस वजह से इस मंदिर का नाम बांके पड़ा। मूलतः इस मंदिर में कुंज बिहारी नाम से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती थी, जिसका अर्थ होता है वह जो वृंदावन के उपवनों का आनंद लेता है। श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण 1862 में हुआ था। पहले इस मंदिर में पूजा निधिवन के एक मंदिर में की जाती थी, और बाद में नए परिसर में श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति को स्थानांतरित कर दिया। कहा जाता है कि यहाँ पर नियमित रूप से पर्दा लगता व खुलता रहता है। हम श्री बांके बिहारी के दर्शन एक टकटकी लगाकर नहीं कर सकते, इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक सी कथा है। कहा जाता है कि एक बार किसी भक्त के साथ श्री बांके बिहारी जी चले गए थे, क्योंकि उन्होंने बांके बिहारी की आँखों में निरंतर दर्शन करते हुए अपनी आँखों से अश्रुधारा प्रभावित की थी। तभी से यह नियम हो गया है कि कोई भी बांके बिहारी को निरंतर एक टकटकी से नहीं देख सकता। उसी श्रृंखला में हमारा तीसरा मंदिर आता है श्री राधा मदन मोहन मंदिर। श्री राधा मदन मोहन मंदिर वृंदावन में स्थित एक प्राचीन मंदिर है, जो अपने पुराने और महत्वपूर्ण इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। औरंगजेब के शासनकाल में लोगों ने मूल भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को राजस्थान के करौली में स्थानांतरित कर दिया था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार लगभग 15वीं या 16वीं शताब्दी में मुल्तान के व्यापारी कपूर रामदास ने श्री सनातन गोस्वामी के मार्गदर्शन में इस मंदिर की नींव रखी थी। मदन मोहन की मूर्ति, जो उनकी कमर से नीचे कृष्ण के समान दिखती है, ने बड़ी प्राचीनता प्राप्त की है। हमारा अगला मंदिर है श्री राधा वल्लभ मंदिर। श्री राधा वल्लभ मंदिर बांके बिहारी मंदिर के नज़दीक ही है। यह मथुरा स्टेशन 15 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना हरिवंश गोस्वामी जी ने की थी, और उन्होंने राधा रानी की भक्ति पर बल दिया था, जिससे राधा वल्लभ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्थलों की सूची में शामिल है। अगला मंदिर है श्री राधा रमन लाल जी का मंदिर। राधा रमन मंदिर, जो कि वृंदावन में स्थित है, श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। यह आदर्श मंदिर भगवान कृष्ण का राधा के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। 1542 के आसपास गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा अनुरोधित करने पर इस मंदिर का निर्माण हुआ था। वे 6 गोस्वामियों में से एक थे जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण किया था। इस प्राचीन मंदिर में आज भी भगवान कृष्ण के असली सालग्राम प्रतिष्ठित हैं, जो राधा रानी के साथ मौजूद हैं। इन 5 मंदिरों के अलावा श्री रंगनाथ जी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर एवं ऐसे कई मंदिर हैं जिनके दर्शन करने में आपको लगभग 1 महीने का समय भी कम पड़ जाएगा। पर कहा जाता है कि ये 5 मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। जब भी आप वृंदावन जाएँ, तो इन 5 मंदिरों के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि इनके दर्शन
किए बगैर आपकी यात्रा अधूरी मानी जा सकती है। राधे राधे।